नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली टीटी टी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है आज की क्लास में हम बात करेंगे भाग आप पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे संभावित थर्टी प्रश्न करेंगे जिसमें समान हिंदी अंग्रेजी रीजनिंग तार्किक वाले प्रश्न रहेंगे मैथ्स मैथ्रिक्स के प्रश्न रहेंगे और पेडोलॉजी के प्रश्न होंगे ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका फोर्टीन नंबर है इसके पहले तेरह प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं जिस आई इस लाइव क्लास के बाद आई बटन पर लिंक दे दिया जाएगा प्ले लिस्ट आल बना दिया गया है एम पी टेट वर्ग दो पार्ट फर्स्ट का प्ले लिस्ट का नाम है वहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आप लोगों को आल मिल जाएगा तो पहले सामान हिंदी की बात करेंगे जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कथा का बहुवचन होगा कथे कथो कथानक या कथाएं तो कथा का बहुवचन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कथा का बहुवचन कथाएं होता है यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दूसरा है अब तक करना मुहावरे का क्या अर्थ सीख मदद करना बहाना बनाना परेशान करना मरने के करीब होना मुहावरे लोकोक्तियाँ अक्सर पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी भी तो अब तक करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है तो अब तक करना मुहावरे का अर्थ जो हो जाता है वह हमारा बहाना बनाना हो क्या है भावार्थ इसमें भाना बनाना होता है इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न हो जाता है वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया निरस्त किया विश्वस्त किया आश्वस्त किया संतुष्ट किया दो बातें आती हैं आश्वस्त या संतुष्ट दो चीजें आपके मन में सवाल अवश्य आया होगा तो वायुवान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए हैं पर चालक उन्हें क्या करते हैं आश्वस्त करते हैं आप में से आई होप सभी प्यारे मित्र ने कुछ लोगों ने वायुयान या हवाई जहाज़ का सफ़र अवश्य किया होगा हमने तो नहीं किया भैया ये हमारे लिए सपना है एक और यह सपना कब साकार होगा पता नहीं बट अगर सफ़र करेंगे तो आपसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के माध्यम से अवश्य शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पेज को हमारे जरूर अवश्य जसवाल कोचिंग सेंटर जो फॉलो है इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन पी डी एफ प्रोवाइड आपको हो सके निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है भारत में अनेक जाति भारत में अनेकों जाति भारत में अनेक जातियां या भारत में अनेकों जातियाँ इनमें से शुद्ध वाक्य अगर चयन करें तो आप किसको चयन करेंगे भारत में अनेक जातियां क्या है अनेक जातियां अनेकों नहीं होगा अनेक जातियां अपने आप यहाँ स्पष्ट हमारा हो रहा है अगला जो प्रश्न है कॉग्निजेबल ऑफिस का सही परिभाषिक क्या होता है यानी इंग्लिश तो आपका वर्ड दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफिसेंस इसका परिभाषिक पूछा जा रहा है संगे अपराध योग्य अपराध अक्षम अपराध या जघन अपराध चारों नाम आपने सुना होगा क्षमा योग जघन ये तो दो चीजें आपने सुना होगा जघन अपराध हमेशा न्यूज चैनलों में आपको देखने को मिलेगा न्यूज वक्ता जो होते हैं प्रवक्ता होते हैं वो बोलते हैं जगन अपराध तो जो हमारा प्रश्न कर रहा उसके अकॉर्डिंग आपको होगा संगे अपराध हो जाए कॉगजिनेबल ऑफिसंस का सही परिभाषिक होता है संगे अपराध इसके बाद अगला प्रश्न देखेगा अनुच्छेद दिया गया है इस अनुच्छेद से हमें प्रश्न करना है अनुच्छेद हमारा दिया गया है भारतीय साहित्य शास्त्र पर आनंदवाद का गहरा असर है काव्यान्न ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है रसात्मक को ही काव्य कहा गया है और संस्कृत साहित्य की समीक्षा से प्रचलित सभी मानदंडों रस रीति अलंकार वक्रोक्ति ध्वनि से भी भारतीय मनीषा ने रस को ही सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया आनंदवाद शैव दर्शन का शब्द है इसका मूल रूप से उपनिषदों में दिखाई देता है तो ये सारी चीजें आपकी दी गई हैं और इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है काव्यानंद को अलंकार को रीति को या उपनिषदों को कहा गया है तो ब्रह्मानंद हमने अभी पढ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है काव्या काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है दूसरी लाइन पे लिखा गया है और प्रश्न भी हमारा कह रहा है तो ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है काव्यानंद को कहा गया है अगला जो प्रश्न देखेगा संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषा ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया अलंकार को रीति को रस को या वक्रोक्ति को सभी कमेंट कीजिए संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषा ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया तो कहला जाता है रस को दिया किसको दिया है रस को दिया है इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि रस ही ब्रह्म होने के अर्थ में कथन किसमें मिलता है बृहदारियन उपनिषद में तंत्रोक में तैत्रियो मुनिषद में मिलता है सौंदर लहरी में मिलता है तो रस ही ब्रह्म को होने के अर्थ में कथन जो है आपका किस में मिल जाता है तो आपके तैत्रियो उपनिषद में मिल जाता है सी ऑप्शन जो दिया गया है ऑलरेडी हमारा सही हो जाएगा इसके बाद आपका अंगला जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे चूज द सेंटेंस द डज नॉट हैव अ मिस्टेक इन इट किसमें से मिस्टेक नहीं वेन वी लिविंग वैष्णवी इज माई फ्रेंड रवि नीड गो टू द स्टोर यू सी द गेम लास्ट नाइट डज नाट हैव मिस्टेक इन इट तो जो हमारा बी दिया गया है वैष्णवी इज माई फ्रेंड इससे दिया गया है और विकल्प ए सी और डी में देखा जाए वर्ब से संबंधित यहाँ पे टूटिया है इसलिए करेक्ट सेंटेंस जो मिस्टेक जिसमें नहीं है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इसके बाद अगला प्रश्न है Complete the sentence given below by using the correct form of the verb from the options that follow. I do not bother much about money. I about it all my life. I will ever whether I have never whether I don't bother. Yeah, I. दर्ड की बात करते हैं आई डू नाट ब्रदर मच अबाउट मनी आई अबाउट इट आल माई लाइफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट द राइट ऑप्शन नंबर हैव नेवर वेदर्ड की बात करेंगे क्योंकि तो वाक जो हमारा है वह सिंपल प्रजेंट टेंस में और यहाँ पर अबाउट इन आल माई लाइफ की बात कर रही है यानी कि जीवन पर्यंत आदत की बात हो रही है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हो जाएगा हैव लगेगा आई हैव नेवर वेदर्ड तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा इसी के बाद यहां पे करेक्ट अल्टरनेटिव करना है वेन आर यू टू राइट टू योर फ्रेंड वेन आर यू गोच गोइंग गो ग यहाँ पे सेंटेंस को हमें समझने की आवश्यकता यह है कि यहाँ पे वेन यू आर यू टू राइट योर फ्रेंड तो वेन आर यू गोइंग टू तो राइट टू तो योर फ्रेंड क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूवस टेंस में इंटरगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इसलिए गोइंग इज द राइट आंसर होगा इसके बाद जो अंगला दिया गया है चूज द वर्ड विच इज द क्लोजेस्ट ऑफ द अपोजिट इन मीनिंग इन द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस पहला दिया गया है एम्बिग्यूटी ऑफ थॉट्स कैन प्रूव डिस्ट्रॉयस रिटी क्लैरिटी सर्टेनी रेटिन रेटिनेसिलिटी की बात करेंगे रेसनेलिटी की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्लियरिटी की बात हो जाएगी क्योंकि एम्बिगटी का अर्थ क्या होता है अस्पष्टता और रेजिडिटी का अर्थ होता है कठोरता लेकिन क्लैरिटी का भी अर्थ होता है स्पष्टता जैसे एम्बिगटी का होता है स्पष्टता वैसे ही आपका क्लैरिटी मतलब क्लियरिटी स्पष्टता की बात होती तो क्लैरिटी इज द सेम आपका अर्थ निकल रहा है दोनों में और सर्टेनिटी का अर्थ होता है निश्चितता और रेसनैलिटी का अर्थ होता है चेतना या शक्ति तो विपरीतार्थ यहाँ पे आपका प्रश्न आलिडी दिया गया है अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस तो आपका जब एम्बे का अर्थ एम्बे, का अर्थ जो अर्थ होता है अस्पष्टता होता है क्लियरिटी मतलब स्पष्टता तो भी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं इसमें कह रहा है द मीनिंग ऑफ द बोल्ड इंडियन एडियम पेस इन द सेंटेंस। ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वॉज अ रियल वाइट एलिफेंट कॉस्टली वन अरेग वन अज अ करेक्ट ऑप्शन इज दूजलेशन क्योंकि व्हाइट एलिफेंट का जो अर्थ होता है वह आपका अनुपयोगी वस्तु से होता है तो अनुपयोगी वस्तु मतलब होता है डी ऑप्शन राइट आंसर। तार्किक आंकिक वाले प्रश्न रहेंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न रहेंगे गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है बैगा जनजाति मुड़िया दंडाबी मीडिया या कोरकु जनजाति सभी कमेंट कीजिए गौर नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित हो जाती तो यह आपके मुड़िया जनजाति से संबंधित हो जाती गौर जो नत्र है यह छत्तीसगढ़ राज्य के जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एक होता है बस्तर जिला आपने सुना होगा तो बस्तर जिले में मुड़िया जनजाति द्वारा प्राय विवाह आदि अवसरों में यह किया जाता है कौन सा नत गौरत गुड़िया जनजाति करती है और इस नृत्य का नामकरण गौर भैंस के नाम पे रखा गया किसके गौर भैंस के नाम पे रखा गया है, है। अगला जो प्रश्न है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जिनको ताइवे कारोलिन मिकेलसन वेलेंटा टेरिस्कोवा उपरोक्त में से कोई नहीं तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहला महिला कौन थी तो जुम्को ताइवे जापान की जंको ताइबे जो है मई 1975 को दुनिया के सर्वेश शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पहली महिला बनने का कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने वेस्टोक सिक्स मिशन में उन्नीस में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बनने का कीर्तिमान भी स्थापित किया था और 1975 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहला महिला बन इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है यकृत लार याधिपक ग्रंथि की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे राइट ऑप्शन क्या होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि हो जाती है वह कौन सी ग्रंथि हो जाती तो ये लीवर यकृत की बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है विभिन्न चपा उपचय को डिटॉक्सिफाई करना होता है प्रोटीन को संशेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना होता है यकृत का होता है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पाद राज्य कौन सा है झारखंड राजस्थान उड़ीसा या आंध्र प्रदेश तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है वह हो जाता है आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर अब्रक जो होता है यह उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत का विश्व का जो है साठ प्रतिशत अभ्रक उत्पादक भारत करता है और आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्र अभ्रक उत्पादन भी क्षेत्र आते हैं मध्य प्रदेश में आपका एक हो गया ग्वालियर का क्षेत्र ग्वालियर के बाद आता है मंदसौर मंदसौर के बाद होशंगाबाद झाबुआ छिंदवाड़ा या अन्य जिले आते एक निश्चित कूट भाषा में वैली को डब्लू पी एम एफ एफ जेड लिखा जाता है और डान को ई लिखा जाता है उसी कूट भाषा में डेंसिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा जैसे हम अन्य प्रैक्टिस सेट में किया है हमने वेलिटी को डब्लू तो भी के बाद डब्लू आता है ओ के बाद पी आता है एल के बाद एम एल के बाद एम ई के बाद एफ वाई के बाद चेक मतलब अंग्रेजी संख्या किया गया इसी प्रकार डी के बाद ई ओ के बाद पी एन के बाद ओ अंगली संख्या तो डी के बाद आएगा ई आएगा ठीक है E के बाद यफ आएगा एन के बाद ओ आएगा एस के बाद टी आएगा और आई के बाद जे आएगा टी के बाद यू आएगा वाई के बाद जेड आएगा यानी कि ई एफ ओ टी जी यू जेड जो पहला ऑप्शन दिया गया सही हो जाए अंगली संख्या केवल करना है डी का ई e, e का एफ एन का ओ एस का टी आई का जे टी का यू वाई का जेट केवल प्लस वन प्लस वन वन करते जाना है बस जो कि सिंपल था सा कई बार हमने आपको प्रैक्टिस सेट में किया है इसके पहले यहाँ पे पहले प्लस थ्री करना है फिर माइनस थ्री करना है प्लस थ्री करना है माइनस थ्री करना है कहीं पे प्लस टू कर देना है माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री ऐसी आपकी नंबर सिस्टम होता है अगला जो प्रश्न है जिस प्रकार शब्दकोश अर्थ से संबंधित है उसी प्रकार विश्वकोश किससे संबंधित है समाचार ज्ञान मुहावरा या समान्थक शब्द से हो जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार शब्दकोश का अर्थ संबंधित है उसी प्रकार विश्वकोश का किससे संबंधित हो जाता है तो हो जाता है ज्ञान से तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सोलह संख्याओं का औसत चौबीस दशमलव पांच है यदि पहली छ संख्याओं का औसत बीस दशमलव पांच है और अंतिम पांच संख्याओं का औसत बत्तीस दशमलव चार है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए सोलह संख्याओं का औसत चौबीस दशमलव पांच यानी कि चौबीस दशमलव पांच गुणे सोलह बराबर तीन सौ बानवे पहली छः संख्याओं का औसत बीस दशमलव पाँच यानी बीस दशमलव पाँच गुणे छः बराबर एक सौ तेईस अंतिम पांच संख्याओं का बत्तीस दशमलव चार है तो बत्तीस दशमलव चार गुणे पाँच बराबर एक सौ बासठ तो शेष पांच संख्याओं का योग पूछा जा रहा है तो शेष पांच संख्याओं का योग बराबर कुल सोलह होगा तो संख्याओं का योग माइनस छः संख्या और पाँच संख्याओं का योग तो संख्याओं का योग टोटल तीन सौ बानवे है माइनस एक सौ तेईस छः संख्याओं का और पांच संख्याओं का एक सौ बासठ इनको प्लस कर लेंगे तीन सौ बानवे माइनस दो सौ पचासी कर लेंगे बराबर आ जाएगा एक सौ सात वन जीरो सेवन तो वन जीरो सेवन आ रहा है पाँच का तो वन जीरो सेवन बटे पाँच करेंगे तब तो हमारा इक्कीस दशमलव चार आ जाएगा जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन सही हो जाए आप शिक्षा के प्रश्न कर लेते हैं कैरोल से संबंधित कौन सा तर्क है तो कैरोल का तर्क है कि कोहल बर के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है कैरोल गिलीन क्या है यह तर्क है कि कोहल के नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है उसकी अवहेलना की गई पहला ऑप्शन सही हो जाए अगला जो प्रश्न है कि लेव वाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्थिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते मानचित्र भाषा कैलकुलेटर स्कीमा चार में से नीचे कूट वाले ऑप्शंस दिए गए तो इनमें से देखा जाए ले वाई गोस्की के अनुसार इनमें से मानचित्र भाषा और कैलकुलेटर ये उपकरण उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं भाषा और कैलकुलेटर स्कीमा आपका नहीं करता है ठीक है स्कीमा की बात करेंगे तो फिर जीन प्याजे जी का नाम आएगा तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न की पांच वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है जीन प्याजे जी के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है जीवावाद केंद्रियता तो जीन प्याजे जी के अनुसार जो यह तर्क हो जाएगा इस सोच के पीछे जो तर्क होगा वह होगा केंद्रियता क्योंकि इस प्रकार का सोच का के कारण केंद्रीता होता है केंद्रीयता पियाजे जी द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो द्वितीय अवस्था है दो से लेकर सात वर्ष तक की अवस्था है इसकी विशेषता है केंद्रियता जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता पक्ष पर ध्यान देता है तो केंद्रियता की बात कर रहे हैं यहाँ पे अगला प्रश्न किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एका लिकाई है और कई पृथक स्वतंत्रता बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है जीन पियाजे जी हार्वर्ड गार्डनर ले वाइगोस्की लॉरेंस कोहलबर्ग तो जिस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एका लिकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह आपके कहला जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्ध का सिद्धांत प्रतिपादन किया किंतु गार्डनर ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एका लिकाई अगला जो प्रश्न दिया गया है एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है घोषणात्मक अधिसंज्ञात्मक प्रतिक्रियात्मक या शब्दार्थ एक शिक्षिका अध्यापिका बालक बालिकाओं से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है वह विद्यार्थियों के बीच जिस तरह से कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है वह हमारी कहला जाती है अधिसंगनात्मक वास्तविक जीवन या काल्पनिक स्थितियों के माध्यम से मेटा कोग्नेटिव सोच को सुगम बनाना शिक्षकों का कार्य होता है तो अधिसंगनात्मक इज द राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता जो है सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है केंद्रित स्वलीनता पठन वैकल गुणज वैकल या गतिमान दिव्यांगता की बात करते तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से जो दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है वह हमारी केंद्रितता या स्वलीनता की बात की जाती है स्वालीनता जो क्रमशः बालकों में पाई जाने वाली एक अधिगम क्षमता होती है जिसके अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने में या अंत्यक्रिया करने में कठिनाई महसूस करते हैं जिसके कारण अपने आप को वयस्कों से पृथक कर लेता है इसके बाद जंगला प्रश्न दिया गया है कि छात्रों के लिए व्यवहारिक या कर के सीखने वाली गतिविधियों को किसके से छात्रों के अधिगम की संभावना होती है टालने सुधरने सुविधा देने बढ़ने प्रस्तुत से ठहरने या रोकथाम बढ़ने की बात करते हैं तो छात्रों के लिए व्यवहारिक या करके सीखने वाली जो गतिविधि होती है वह आपके सुविधा देने से छात्रों के अधिगम के बढ़ने की संभावना होती है क्या होती है छात्रों के लिए व्यवहारिक या करके सीखने वाली जो गतिविधि होती है उसकी सुविधा देने से छात्रों के अधिगम के जो है बढ़ने की संभावना होती है तो बी ऑप्शन वाला जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रश्न है पाटचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है आसुबेल हिल्डा टाबा जीन जी या गिलफोर्ड की बात कर रहे हैं तो पाटचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है तो हम बात करेंगे हिल्डा टाबा को जाता है यह मॉडल शिक्षा के ट्रिपल उद्देश्यों को पूरा करता है और पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को विशेष प्रक्रिया माना गया है क्योंकि इसमें शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना ही मुख्य उद्देश्य माना जा गया है तो विशेषकर पाठ्यक्रम में इस मॉडल का विशेष महत्व माना गया है हिल्डा टाबा की बात करेंगे अगला प्रश्न है एक समस्या सुधारक बच्चा जो है विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है अमूर्त विचार के तार्किक विचार के सृजनात्मक विचार के या सौंदर्य बोध विचार की बात करते हैं तो एक समस्या सुधारक जो बच्चा होता है जिस विचार आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है वह हमारी तार्किक विचार की बात की जाती है क्योंकि समस्या सुधारक बात की गई है तो वह तार्किक ही हो सकता है अगला जो प्रश्न दिया गया है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना किसको बढ़ावा देने की एक विधि है यंत्रवत अधिगम प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम अनवेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम की बात करते तो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देने को बढ़ावा देने की जो विधि कहला जाती है वह तो हमारी अनवेषित अधिगम कहला जाती इस तकनीक से शिक्षा के लिए एक रचनात्मक आधार आधारित जो है दृष्टिकोण माना गया है क्योंकि तो इस समस्या में आधार शिक्षा अनुभवात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है तो छात्रों के विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना अनवेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि हो जाती है तो एकॉर्डिंट क्वेश्चन जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा तो आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली सेवन पीएम में लाइव क्लास होती है तो ज्वाइन कीजिए प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम धनबाद शिविका